प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ SOS मेडिटेशन सेंटर जो लायल इलिनॉय में है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि बहुत से भाई बहन जो अलग अलग देशों से आए हैं, उन्हें मौका मिले कि हम सब अध्यात्म के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है। ये रास्ता कोई नया रास्ता नहीं, सृष्टि के शुरुआत से इंसान इसी खोज में लगा हुआ है कि वो पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची उससे जुड़े कैसे, उसे जाने कैसे, उसे पहचाने कैसे। हजारों साल पहले यही समझा जाता था कि अगर प्रभु को जानना है, उन्हें पहचानना है, तो हमें अपना घर बार छोड़ना होगा। और जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो बहुत से भाई बहन जो प्रभु की खोज में निकलते थे, वो अपना घर बार छोड़ के कोई पहाड़ की चोटी पर जाके बैठता था, कोई समुंदर के किनारे पर जाके बैठता था और प्रभु की याद में अपना समय गुजारते थे ताकि उन्हें को प्रभु की नज़दीकी मिले। तो सवाल ये पैदा होता है हम सबके सामने कि इस समय में अगर हमने प्रभु को पाना है तो हम कैसे पाएं। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक जब बच्चा होता है तो उसका ख्याल उसके माँ बाप करते हैं, जैसे कुछ बड़ा होता है तो वो भी जो उसके भाई बहन हैं उनके ख्याल में शर लग जाता है। और बड़ा होता है, उसकी अपनी शादी होती है तो एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है, बाल बच्चे होते हैं तो उनका ख्याल करना शुरू कर देते हैं। तो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ इस दुनिया में लगी रहती हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जाने कैसे। सुदर्शन सिंह जी महाराज बार 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 फरमाया करते थे कि इस धरती पर रहते हुए, अपने घर बार को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। इसे वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। वो फरमाया करते थे कि दुनिया को छोड़ना, घर बार को छोड़ना, कहीं पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ छोड़ देना, उसको सुदर्शन सिंह जी महाराज नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। कि वो ये हुआ कि हमारे साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमने उनको छोड़ दिया, उन्हें निभाया नहीं। लेकिन अपने घरों में रहते हुए, अपनी जगहों में रहते हुए, अपनी कल्चर्स में रहते हुए हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। तो अब इसको करें कैसे। एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कुछ समय से आ रहा है कि एक मर्चेंट था, बिजनेस पर्सन था, जिसके अंदर ये भावना उठी कि वो प्रभु की जानकारी पाए। तो जहाँ वो रहता था उसने पता किया कि एक संत महापुरुष वहाँ रहते हैं, तो उनके पास पहुँचा और उनसे कहा कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ,
लेकिन मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरा कारोबार है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, जब मैंने उनसे कहा कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा बड़े शौक से प्रभु को पाइए, लेकिन हमारा ख्याल ज़रूर रखना, ये मत करना कि हमें छोड़ के कहीं चले जाओ तुम और हम बेसहाय रह जाएं। तो उसने संजी से क्वेश्चन किया कि भाई मुझे आप समझाइए कि मैं कैसे अपना कारोबार चलाते हुए, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ख्याल करते हुए, मैं क्या करूं कि मैं प्रभु की जानकारी पा सकूं। तो संत महात्मा ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम ना एक दिन रात को आओ मेरे पास और एक पूरी रात मेरे साथ बिताओ और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसने जाके घर में बातचीत की और एक दिन नियुक्त हो गया और उस दिन वो संत महापुरुष के पास पहुंच गया। रात हो चुकी थी तो जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ना एक यात्रा पर जाते हैं और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरे शिष्य हैं वो प्रभु को कैसे पा रहे हैं। तो उससे शायद तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो दोनों निकल पड़े। जिस भी शहर में थे तो चल पड़े, तो एक घर आया तो संत महापुरुष ने कहा कि इस घर में मेरा एक शिष्य रहता है, तो ये खिड़की है, खिड़की से झांको कि देखो वो क्या कर रहा है। तो जो साहूकार था उसने जब खिड़की से ध्यान से देखा तो देखा कि अंदर एक इंसान बिस्तर पर सो रहा है और बड़े खुराटे मार रहा है। तो उसने आके संत महापुरुष से कहा भैया, आपका तो शिष्य सो रहा है, खुराटे मार रहा है, तो ये प्रभु को कैसे पा रहा है। तो उन्होंने कहा ये सारा दिन बड़ा काम करके आए, थक गया है, इतना इसने मेहनत करी, सारा दिन थका हुआ है, आते ही बिस्तर को इसने हिट करा, ये खुराटे मारना शुरू हो गया। तो कहा अच्छा, किसी और को जाके मिलते हैं, देखते हैं कुछ और समझ में आती है हमें। आगे गए, एक और घर आ गया, संत महात्मा का इसकी खिड़की में जहाँ के देखो कि क्या हो रहा अंदर। उनने देखा कि एक बिस्तर में इंसान बैठा हुआ है और टीवी चल रहा है और कोई पुरानी सी मूवी देख रहा है बैठ के आराम से। तो साहूकार ने आके यह संत महापुरुष से बताया कि आपका शिष्य तो टीवी देख रहा है और पुराने की मूवी देख रहा है, तो ये प्रभु को कैसे पा रहा है। तो कहा अच्छा कोई गल नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं क्या कर रहा है। और थोड़े से घर पार हुए, जब तीसरे घर के सामने खिड़की के पास वो साहूकार गया तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान था, वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा, टिक 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 लगा था कंप्यूटर के ऊपर। तो उसने आकर संजी से पूछा कि ये क्या कर रहा है। तो उनका इसको लगता है कि काम बहुत है, ओवर टाइम कर रहा है, घर में भी काम ले ऑफिस है। तो जब ये तीन ऐसे एग्जाम्पल्स आ गए तो साहूकार ने पूछा उनसे कि ये पे प्रभु को कैसे पाएंगे। तो संत महापुरुष ने कहा ये पाएंगे बट इनको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो इनको मिला ही उसका भी फायदा नहीं उठा रहे। ऐसे एक दो घर और गए, उधर भी लगा कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो साहूकार को लगना शुरू हो गया ऐसे तो प्रभु पा नहीं सकते, तो डिजेक्टेड हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रही कि कैसे प्रभु की जानकारी पाऊँ।
तो संजय ने कहा अच्छा ये आखिरी एक घर है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो उस घर में जब उसने खिड़की से झांका तो देखा एक व्हील चेयर पर एक बुज़ुर्ग जो कि लग रहा था कि कमज़ोर से हैं, वो बैठे हुए थे और आंखें बंद थी या सीधा बैठे थे जैसे कि भजन सिमरन कर रहे हों। तो उसने आके संत महात्मा को कहा ये ऐसे लग रहा है। तो उनका अच्छा वेट करते हैं देखते हैं कि और क्या होता है। एक घंटा गुजर गया, दो घंटे गुजर गए, तीन घंटे गुजर गए, वो इंसान व्हील चेयर पर बैठा हुआ था अपना आंखें बंद करके टकटकी लाकर भजन सिमरन में लगा था। उतनी देर में सूर्य निकलना शुरू हो गया, सूर्य की किरणें पड़ी तो उड़ा। जैसे उड़ा तो साहूकार ने आके संत महापुरुष से कहा उठ गया। तो उन्होंने कहा कि तू क्या कर, दरवाज़ा खटखटा और वो आएगा तो उसको पूछना कि तुम सारी रात क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। तो साहूकार ने दरवाज़ा खटखटाया, वो इंसान व्हीलचेयर को लेकर दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला। तो साहूकार ने उससे पूछा कि भाई हमने देखा आप बड़े घंटों से अभ्यास कर रहे थे, तो आप रात को ऐसे क्यों अभ्यास कर रहे हो, लग रहा है आप तकलीफ़ में हो, तो सोने का समय है। तो उसने साहूकार से कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे कहा कि आपको एक जानलेवा तकलीफ़ लग गई है कि आप चंद दिनों के ही मेहमान हो। तो उसने कहा कि मैंने संत महापुरुष से जो पाया था, ज़िंदगी भर कुछ ज़्यादा कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, तब मुझे लगा कि जितना मेरे पर थोड़ा सा समय है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ ताकि रात को जब सब जगह शांति होती है मेरा ध्यान टिक पाए और मैं कुछ ना कुछ अपने लिए कमा सकूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया। अगर हम सोचें तो हम में से भी बहुत से लोगों की हालत वही है, जब तक तो कोई हमारे नज़दीकी को कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं हो जाती कि लगता है कि समय बहुत कम रह गया, तब तक हम प्रभु के बारे सोचते नहीं। छोटी सी उम्र से ही शायद हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सारी सृष्टि रची, उनके भाने में सब कुछ चलता है, उनकी रजा से हम सब यहाँ इस मानव चोले में आए हैं और यही हरि मंदिर है। इसके अंदर होते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और उनसे एकमेक हो सकते हैं। लेकिन ये जानकारी पाते हुए भी हम सब दुनिया की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, जो कमाने के लिए आए हैं उस ओर ध्यान देते नहीं और अपना समय बाहर की चीज़ों में ही गुजार देते हैं। महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं कि आजकल के समय में रहते हुए ये ज़रूरी है कि हम जितनी भी हमारी जिम्मेवारी उनको सही तरीके से निभाएं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करनी है, और वो करते हुए हमारा दिन गुजरता है। लेकिन जो रात है वो प्रभु ने हमको दी है जब हम महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं। और कई बार जब हम सोचते हैं कि पता नहीं ये जो हम सुन रहे हैं महापुरुष 5000 साल पहले आए थे, जो लिखा गया पता नहीं ठीक है कि गलत है, कि किसी ने बाई वर्ड ऑफ माउथ किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। बट अगर हम देखें संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को, तो हम देखते हैं कि वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस किया करते थे, काम किया करते थे ताकि तनख्वाह मिले, ताकि अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रख सकें। उसके साथ साथ वो जो बीमार भाई बहन होते थे उनकी मदद करने के लिए हॉस्पिटलों में जाते थे, अपने सदगुरु की संगत में सेवा करते थे, लेकिन रात को 6-6 घंटों तक अभ्यास करते थे। जब हम साइंस की ओर देखते हैं, और साइंस बहुत रिसर्च करती है, और साइंस बिलीव करती है कि कोई चीज़ प्रूव होनी चाहिए, तो साइंटिस्ट को तो ये तो मालूम है कि शरीर को रेस्ट चाहिए। अगर ये शरीर को रेस्ट नहीं मिलता तो ये शरीर काम नहीं कर पाता। 2-4-6 दिन आप सोए बगैर गुजारा कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने प्रोसेस ऑफ ये जो स्लीप है उसको समझने की कोशिश, उसमें होता क्या है, और डिटेल में जाओ तो देर आर स्मॉल साइकिल्स और बड़ी साइकिल्स होते हैं जिनमें डीप स्लीप में इंसान जाता है, और जब डीप स्लीप में होता है उस पर जाके जो जो दिन भर में हम खाना खाते हैं और चीज़ें करते हैं और बॉडी के साथ जो तकलीफ़ें होती हैं वो सब हील अप होनी शुरू होती हैं। वो रेस्ट करने का पीरियड जो बॉडी का, उसमें ही बॉडी तंदुरुस्त होनी शुरू होती है फिर से। और सोने का तरीका है कि जिस वेवलेंथ पे हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर जब हम जागृत होते हैं तो उसे कहते हैं 20 हर्ट्ज़, 20 साइकल्स पर मिनट एवरेज या वेवलेंथ जिस पे हम काम करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा दिमाग चल रहा है, हम सोते हैं, हम बोलते हैं, चीज़ें करते हैं। जब सोते हैं तो हम 12 तक पहुँच सकते हैं, 12 से 16 हर्ट्ज़ तक पहुँच सकते हैं, शरीर को आराम आता है। डीप स्लीप में जाते थोड़ा ज़्यादा आराम आता है, बड़ी बड़ी 2-3 घंटे बाद उड़ जाता है इंसान, तो वो इतनी डीप स्लीप में नहीं जा पाता। बट जब रेस्ट करता है तो फ्रीक्वेंसी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी शांत होती है और शरीर में ताकत आनी शुरू होती है, फिर से जो भी हलचल हुई है शरीर में वो ठीक होनी शुरू होती है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, और अगर सही तरीके से अभ्यास करें जिसमें शरीर भी शांत हो मन भी शांत हो, तो वी कैन गो डाउन टू, हम 4 साइकल्स तक जा सकते हैं, और उससे शरीर को बहुत आराम मिलता है। इस करके जो इंसान सही तरीके से मेडिटेट करता है या ध्यान टिकाता है उसको उतनी नींद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो प्रोसेस है सही तरीके से अभ्यास करना है उसमें शरीर को आराम ऑटोमेटिकली मिल जाता है इतना। तो वहाँ पर बार 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 समझाते हैं कि जो रात है उसे हम गवाए नहीं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने किताब में लिखी थी कि द नाइट इज़ अ जंगल, कि हम सोचे कि रात हमारी वैसी है कि हमने कुटिया जाकर जंगल में बिठा दी। हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, तो रात का समय एक ऐसा समय है जो लोग सोने में गुजार देते हैं, टीवी देखने में गुजार देते हैं, कुछ और करने में गुजार देते हैं, क्योंकि सोते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसको लगता है हम तो थक के आए हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए किसी ना किसी किस्म की, किसको लगता है काम बहुत है मैं इस वक्त और कर लूँ, किसको लगता है मैं आराम से सोऊं। तो ये समझना कि रात भी प्रभु ने सिर्फ सोने के लिए नहीं दी, ये तो ज़रूर है कि शरीर को आराम चाहिए, लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम थोड़े समय में शरीर को बहुत आराम दे सकते हैं। और बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि आजकल के समय में जबकि हमारी इंटरेक्शन बहुत बढ़ गई हैं, वो पुराना ज़माना होता था तो क्या होता था, लेट्स से 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले ज़्यादा लोग तो सब लैंड के ऊपर ही काम करते थे, किसान होते थे, वापस होते थे। जहाँ हम रहते थे उन लोगों को ही जानते थे, हो सकता है हमारा छोटा सा मकान या कुटिया जो भी इधर है किसी की वहाँ बनी हुई है, किसी की वहाँ बनी, किसी की वहाँ बनी हुई है, हो सकता है हम 2-4-6 मील इधर उधर जाते हों, उससे ज़्यादा जाना ही बड़ा मुश्किल था, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। तो उसी दायरे में थोड़े से लोगों को इंसान जानता था, उनकी इंटरेक्शन भी थोड़े से होती थी, जितनी देर मिल गए उसके बाद तो अगले दिन ही मिलेंगे,
कोई यहाँ से काम करने आया उस फॉर्म पे, कोई यहाँ से आया, जितनी देर काम इकट्ठा किया उस थोड़ा मिले, वो सब अलग अलग हो जाते थे। आजकल का क्या है, यहाँ ये शिकागो एरिया में होते हुए हमें ये भी मालूम है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ये पता है कि सिलोन में क्या हो गया, ये मालूम है वॉशिंगटन में क्या हो गया। फिर हर आजकल तो विद ऑल दिस ये जो नई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ आता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी शायद अच्छा होगा, इससे शायद कुछ फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये ढूंढना है, ये चीज़ चाहिए। इंटरेक्शन 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 बहुत बढ़ गई हैं। अगर कोई हमसे दूर चला भी जाता है तो फिर भी आजकल उनसे कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, और स्पेशली जब से ये पहले तो कभी इंसान चिट्ठी लिखता था, दो हफ्ते बाद चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी, फिर जवाब आता था, अब तो सब इंस्टेंटेनियस हो गया, और नॉट ओनली मैसेजेस कर सकते हो बट ये जो वीडियो कॉल्स हैं उस करके भी इंटरेक्शन बढ़ गया। उससे हो क्या रहा है कि टाइम इन चीज़ों में ही गुजरता जा रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये फ़ोटो देख लो, खाना मैंने बहुत बढ़िया खाया था आज, यही चल रहा है सब तरफ। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन पिक्चर्स की हो रही है, कोई यहाँ फ़ोटो खींच के वहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ खींच के वहाँ भेज रहा है, कोई कोई इससे बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है, भगवान से कोई बात नहीं कर रहा, परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं है, सारा समय इन चीज़ों में गुजरता है। तो ये होते हुए दिन भर तो रात का तो इस्तेमाल करें, रात तो अपने हाथ में है, दिन भर तो ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी काम पे तो जाना है, तो कह रहे हैं वी हैव टू बी ऑन आवर ओन फील्ड, हमको अपना अपना ख्याल तो करना है ना, प्रभु ने हमें भेजा है, अगर हमें भाई बहन दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, बाल बच्चे दिए हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ जितने हमारे कर्म हैं वो निभाएं अच्छी तरह से, नहीं तो देता क्यों प्रभु, अगर नहीं करना होता तो हमें नहीं देते कुछ भी ऐसी चीज़, क्योंकि वी लिव इन अ कल्चरल सोसाइटी, हमारे पास ये नॉर्म्स हैं जो हमें दिए गए हैं, उनको हमने निभाना है, लेकिन उनको निभाते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, और ही बीइंग अ पोएट, वो दो लाइनों में पोएट्री के इतना मटेरियल भर जाता है जो शायद कई पन्ने लग जाए किसी भी किताब के उसको समझाने के लिए। वो जानते थे कि हमारी सोसाइटी मोर एंड मोर कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल पॉजिटिव मिस्टिसिज्म की बात शुरू की कि यहाँ दुनिया में रहते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम अपनी बेहतरी हर एक फील्ड में करें, और जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको निभाएं, लेकिन प्रभु को भूलें ना, क्योंकि जो ज़िंदगी में आने का मकसद है, ये जो हम सब अपने आप को शरीर में पा रहे हैं, ये प्रभु की देन है, कि जितनी भी योनियां हैं जो 84 लाख जिया जून है, उसमें से सबसे उत्तम योनी है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, क्योंकि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो प्रभु ने ही चुना है हमें, ये मानव चोला मिला है, नहीं तो कोई कीड़े मकोड़े की योनि में हो सकता था, कोई किसी जानवर की योनि में हो सकता था, किसी मछली की योनि में हो सकता था, किसी भी योनि में हम हो सकते थे, जिनमें किसी में कुछ पदार्थ नहीं है कि हम अपने आप को जाने। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु को जाने, प्रभु ने हमसे बहुत खुश होकर हम पर दया मेहर की है, क्योंकि कई करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से थोड़ी सी 7 बिलियन ही हैं जो कि इंसानी चोले में हैं। तो वो जो हमें सुनहरा मौका मिला है उसका हम फ़ायदा उठाएं। अब ये तो हमें सबको मालूम है, आप अब किसी भी एज के हो, अनलेस कि आप 2-3 साल के हो, एज सून एज 10-12-15 साल का इंसान होता है उसको ये तो पता है कि डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि मौत तो आएगी, क्योंकि वो देखता है किसी दादाजी की डेथ होगी, दादाजी की डेथ होगी, फैमिली में देखते हैं, नेबरहुड में हम देखते हैं, तो वेरी क्विकली इन लाइफ वी रियलाइज कि भाई डेथ होती है कुछ ना कुछ।
तो इसका मतलब इन द बैक ऑफ अ माइंड हमको ये तो मालूम है कि एक दिन हमने जाना है। अब हम यूं करके चले जाते हैं कि हम सालों साल बिस्तर पर लेटे रहेंगे, ये किसको मालूम नहीं। लेकिन ये मालूम है कि फिजिकल एंड हमारी एग्जिस्टेंस का जरूर होगा। तो अगर डॉक्टर बोलता है कि आपके पास 6 महीने जीने के लिए हैं, तब तो हम बड़ी जोर शोर से चीज़ें करते हैं। जब मालूम है हमारे पास में भी 10 साल आए हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, तब हमें कोई फिक्र नहीं रहता। तो हाले तो बड़ा टाइम है, जल्दी की है। सो वो इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस्ड है, वही अपने मकसद को पा सकता है। वो इंसान जो अपने को ट्रैक करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही अपने मकसद को पाता है। नहीं तो कहते हाँ जी सब ठीक है, सब चल रहे है। मगर अगर आप अपने आप को ट्रैक करोगे, आप क्या कर रहे हो, आपकी तरक्की किस तरफ हो रही है, आप किस तरफ जा रहे हो, तभी फिर आपको मालूम होगा कि आपकी डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है। अगर आप ट्रैक ही ना करो, सोचो हाँ जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बोके है, और करी जाओ चीज़ें ऐसी विदाउट इवन थिंकिंग आप क्या कर रहे हो, देन आप कभी भी अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुँच सकोगे। अब प्रभु को पाना, हर एक धर्मग्रंथ हमें समझाता है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रभु हैं वो प्रेम के महासागर हैं, हम उसी महासागर की एक बूंद हैं। हमारी आत्मा के अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो परमात्मा के अंदर है, क्योंकि उसी महासागर की हम बूंद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनसे अलग हो गए। तो अगर ये बूंद अलग होके सिर्फ अपने दायरे में, जिस दायरे में रहे उसी को जानेगी, तो प्रभु को कभी पाएगा नहीं। मगर जब भी उसमें प्रेम जागृत होगा अपने आप को जानने का, तो उसके कदम अपने आप प्रभु की ओर खिंचने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम जागना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इंग्लिश का मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलव्ड, कि प्रभु पहले प्रेम करते हैं तभी हमें मानव चोला मिला है। वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें, वो चाहते हैं हम उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट करें। वो प्रेम की डोर को खींचते हैं, हम सोचते हैं हमें प्रभु से बहुत प्रेम हो रहा है, लेकिन जब तक उनकी दया ना हो, जब तो हमें खींचे नहीं, हम उनकी ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने प्रभु से प्रेम करना है। अब उसे प्रभु से प्रेम कैसे करें, ना इन आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना हमें पता है कहाँ पर वो है, नहीं तो हवाई जहाज लेके वहीं पहुँच जाएं हम। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। ध्यान बाहर से हटाओ, अंदर की दुनिया में करो। जैसे जैसे ध्यान अंदर की दुनिया में हम करेंगे, प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, प्रभु का प्रेम मिलेगा। और जैसे जैसे हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम प्रभु से अलग हैं, तो हम में एक जागृति आएगी कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएं। तो जैसे पेन्स ऑफ सेपरेशन कहा गया कि प्रभु से अलग होना एक हमारे लिए एक ऐसा मौका है, क्योंकि वो चाहिए हमें प्रभु की ओर कदम बढ़ाने के लिए। तो ये अनुभव होना कि हम प्रभु का ही हिस्सा हैं लेकिन उनसे अलग हैं, तो फिर उसके बाद एक कशिश होनी, एक लगन होनी हमारे अंदर पिता परमेश्वर को जाने की, तभी हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ पाते हैं। और जब एक लगन हो और पता हम किससे दूर हैं, तो क्या होता है, आँखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये जब प्रभु के प्रेम के रंग में जब इंसान रंगा जाता है और उसकी आंखों से जब आंसू टपते हैं, उसके बारे में एक शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, जो मैं दर्शाता है कि किस किस्म की हालत हमारी होनी चाहिए अगर हमने कदम प्रभु को पाने के लिए उठाने हैं। ज़्यादा लोग तो सोचते हैं अगर आंसू निकले तो बहुत तकलीफ हो रही है इंसान को, कि वो पेन में है, दर्द में है। क्योंकि जब इंसान
दर्द में होता रहा, हमें से बहुतों को, किसको हेडेक हो रहा है, किसको स्टमक हो रहा है, किसको कुछ हो रहा है, तो रात को अगर हो तो आदमी सो नहीं सकता, रात को जागा रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये जो प्रभु के प्रेम का दर्द है, ये मैं रात भर जगाएगा ताकि हम अभ्यास कर सकें, ताकि हम प्रभु को जान सकें कि प्रभु से सेपरेशन होने का जो हमें दुख होगा वो उतना ही हमारे अंदर कशिश पैदा करेगा कि हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमा रहे हैं, तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही सही कल तो सितारा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब इतना प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है कि हम प्रभु के प्रेम में रंगे जाते हैं और उनकी याद में उनसे अलग होने का जो हमें दर्द होता है वो जब हमारे से आंसू निकलवाता है, हम जब प्रभु की नज़दीकी पाना चाहते हैं कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, ये वो आंसू नहीं जो पानी से भरा हुआ है, ये आंसू वो है जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, ये आंसू नहीं जो पानी से पड़ा जमीन पे गिर गया, ये एक किसी सदगुरु महापुरुष के दामन में पिता परमेश्वर की जहाँ पर बातचीत हो, जहाँ पर नज़दीकी मिले, जब उनके अंग संग गिरता है कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही सही, उस समय तो शायद लग रहा आंसू है, कल तो सितारा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि जब लगन हमारे अंदर बढ़ती है तब भजन अभ्यास करते हैं, जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हैं। और सितारा क्या करता है, टिमटिम आता है, रोशनी देता है। सितारा उन्होंने किस लिए इस्तेमाल करा है, एक तो सितारा कहते हैं ना जैसे कि अपलिफ्टिंग हो गया, सितारा बड़ा ऊंची जगह है, एक तो वो है कि भाई हम जो सबसे ऊंची जगह है जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप होना उस हो रहा है, और दूसरा कि सितारा रोशनी देता है कि जब हमारे अंदर लगन इतनी ज़्यादा होगी पिता परमेश्वर को पाने की तो हम उनके रंग में रंगे जाएंगे और उनकी रोशनी जो हमारे भीतर है वो हमसे औरों तक पहुँचनी होगी, ताकि जागृति सिर्फ हमारी ही नहीं हमारे अंग संग सबकी होनी शुरू हो जाएगी। जब इंसान अभ्यास करता है प्रभु के साथ जुड़ता है तो वो अंदर से ही उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, और उस बदलाव से वो और शांत हो जाता है, उसके जो दायरा है जिसमें वो जीता है उसमें भी शांति आनी शुरू हो जाती है, और वहाँ से फिर और बढ़नी शुरू हो जाती है कि जो प्रभु की ज्योत है, जो प्रभु का शब्द है जिसके दो हिस्से हैं ज्योति और श्रुति, जिसके साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा उसका हमें अनुभव होता है उतना ही हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी अंधेरी नहीं रहती। अंधेरी ज़िंदगी उसकी होती है जिसका पूरा ध्यान दुनिया की चीज़ों में हो, क्योंकि वो फिर माया की दुनिया में गिर गया इंसान। लेकिन जैसे हमारा ध्यान प्रभु की ओर होता है, अंदर के मंडलों की ओर होता है, जैसे हम अंदर के मंडलों की उड़ान करते हैं, जैसे ही हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जागृति पैदा हो जाती है, अंधेरा दूर होता है और जगमग जगमग होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ज़िंदगी ही प्रभु ने हमें पाने के लिए ये मानव चोला दिया। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि 7 बिलियन लोग इस समय इस दुनिया में जी रहे हैं, थोड़े से हैं जो प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, बहुत से लोग तो दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। और वो जो सुनहरा मौका हमें मिला अपना ध्यान प्रभु की ओर करने का, उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं, पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, और उन्हें शांत अवस्था में पहुँच कर ही पाया जा सकता है। और शांत अवस्था में पहुँचने का तरीका अभ्यास करना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और फिर हम अपने अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जिसके ऊपर सारी सृष्टि रची गई है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसका अनुभव करते हुए हम
अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दे पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा, आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आँखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके आगे 8-10 इंच सामने फोकस हों। आँखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देह मिली आप सिमरन कीजिएगा, जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊँचा नहीं दौड़ाना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और प्रभु की नज़दीकी का अनुभव हम सबको करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ। Thank you.
मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन संगीत।